नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर 4 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कांवड़िया मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया है? दूसरा सवाल, क्या कुल्हाड़ी पर पैर इसलिए रखा गया है कि सिर्फ उनका पैर जख्मी नहीं हो बल्कि मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का पैर भी जख्मी हो जाए? तीसरा सवाल, क्या कांवड़िया मुद्दे को लेकर एनडीए में फूट पड़ गई है? इसी से जुड़ा हुआ चौथा सवाल, या मोदी एनडीए के धड़ों को उकसाने में लगे हैं, मोदी से मतलब मोदी खेमा, दिल्ली खेमा उकसाने में लगा है ताकि इस बहाने मुख्यमंत्री योगी की घेरेबंदी की जा सके। एक शेर याद आता है, यकीनन उसके भी हाथ जख्मी हुए होंगे, यकीनन उसके भी हाथ जख्मी हुए होंगे जिसने मेरी राह में कांटे बिछाए होंगे। और इन 4 सवालों से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण 5वां सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दुकानों के नाम, दुकानदारों के नाम सामने रखने का फरमान वापस लेने की मांग करेंगे, जोर डालेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो क्या योगी मान जाएंगे आसानी से? और अगर योगी नहीं माने फरमान अपना वापस लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे और गठबंधन सरकार का धर्म निभाते हुए बलि ले लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी की? ये कुछ बड़े चंद सवाल हैं जो सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक हिंदुत्व वाला केमिकल नोचा है। सबसे बड़ी बात है कि योगी उग्र हिंदुत्व की उसी नीति पर अमल कर रहे हैं जिस नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के एक्सटेंशन पर चल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के बड़े नेता जिसको अमल में ला रहे हैं, वही काम तो योगी भी, आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। ऐसे में योगी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो क्या होगी, कौन सी होगी? योगी का सीएम पद इस फरमान के कारण गया तो बीजेपी को भी हिंदू वोट का नुकसान होगा, प्रधानमंत्री की भी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाली छवि को नुकसान होगा। बीजेपी का कुल मिलाकर जो हिंदू वोट बैंक के सहारे आगे बढ़ने की नीति रणनीति है वो भरभरा कर रह जाएगी अगर कांवड़ियों के मसले पर योगी का इस्तीफा ले लिया जाता है। फिर एक और बात है कि सिर्फ योगी ने इस तरह का फरमान जारी नहीं किया है, हरिद्वार में, उत्तराखंड में आता है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ऐसा ही फरमान जारी किया है। तो धामी को भी ये फरमान वापस लेना पड़ेगा। क्या ऐसा बीजेपी ऐसे समय में करना चाहेगी जब वो एक नए सिरे से हिंदू मुसलमान करने में लगी है? सुवेंदु अधिकारी ने जो कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा बंद हो जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा असम में 40% मुसलमान हो गए हैं, ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, मुसलमानों का आरक्षण, मुसलमानों को किसी कीमत पर एससी एसटी के आरक्षण को छीन कर नहीं दिया जाएगा, ये बात जो बार बार अमित शाह कह रहे हैं, ये सब क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत नहीं है क्या? क्या बीजेपी को इस बात का एहसास नहीं हो चला कि मुसलमान उनको वोट दे नहीं रहा? इस बार के चुनाव से पता लगा कि महिलाओं का भी उस बड़ी संख्या में वोट नहीं मिला, एससी एसटी और ओबीसी वोट भी दरका है, इंडिया के खाते में भी गया है, ठीक ठाक प्रतिशत में गया है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इतने सालों से मुहिम चला रहा था कि दलित है या फिर पिछड़ा वर्ग का है या फिर आदिवासी है, वो हिंदू बनकर वोट दे, वो आदिवासी बनकर, वो दलित बनकर, महादलित बनकर वोट नहीं दे, इसमें वो कामयाब होते दिख भी रहे थे। जो कुल हिंदू 80% का 50%, 45%, 50% उनके खाते में जाता हुआ दिख रहा था, जिसको एक बार वो 55-60% पर ले जाते तो बीजेपी जिंदगी भर सत्ता से नहीं जाती। लेकिन 2024 में ये दरक गया है, किला बुरी तरह से दरक गया है और अब बीजेपी का समण वोटर भी उसके हाथ से खिसक गया, उग्र हिंदुत्व वाला वोटर भी कहीं ना कहीं निराश हो गया, हताश हो गया।
तो बीजेपी का क्या हाल होगा, इस बात को मोदी भी समझ रहे हैं, आरएसएस भी समझ रहा है और योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं। कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल उठता है कि ये जो एनडीए के साथी हैं, ये जो सवाल उठा रहे हैं, जो योगी सरकार के फरमान की आलोचना कर रहे हैं, ये प्रायोजित कार्यक्रम है या इनको लग रहा है कि हमारे अपना अपना जो दलित का वोट बैंक है, जाटों का, ओबीसी का वोट बैंक है, लव कुश वोट बैंक है, इसको बरकरार रखने की जरूरत है और बीजेपी हमारे कंधों पर सवार होके हमारी बैसाखियों का सहारा लेते हुए अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने में या उसको विस्तार देने में लगी है और ये राजनीति तो चल नहीं सकती। क्या ये कहानी है? क्या मोदी को इस बात का डर नहीं है या मोदी ही ये स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं? ये भी एक बड़े सवाल उठते हैं। कुल मिलाकर मोदी को कायदे से चिंतित होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं, आरएलडी के 2 सांसद हैं, पासवान चिराग पासवान के 5 या 6 सांसद हैं, कुल 19-20 सांसद होते हैं और 292 में से 20 सांसद चले जाते हैं मान लीजिए, तो 272 पर टिक जाएगी एनडीए। लेकिन मोदी को शायद डर नहीं है, मोदी को शायद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शेर याद आता होगा, ना तलवारें उठेंगी ना खंजर उनसे, ना तलवारें उठेंगी ना खंजर उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो उनको मालूम है कि ये जेडीयू के नेता हों, पासवान हों या फिर आरएलडी के नेता हों, ये जो भी बयान देते रहे इनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये एनडीए छोड़कर जाने वाले नहीं है या मलाई खा रहे हैं, खाते रहेंगे, 5 साल सरकार चलती रहेगी। लेकिन उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य ये है कि इनके बहाने योगी आदित्यनाथ को सेट करने की कोशिश की जाए। क्या इसमें वो मोदी कामयाब होंगे या फिर योगी के खेमे से सोचा जाए तो उनको लग रहा है कि जो मसला उन्होंने उठा दिया है, जो कांवड़ियों को की यात्रा के दौरान दुकानदारों को, सब्जी वालों को, चाट वालों को, फल वालों को, ढाबे वालों को, होटल वालों को नाम कर दुकानदार का नाम लिखकर लिखना पड़ेगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा, तो इसका विरोध कोई करने वाला नहीं है। संघ भी इसका विरोध नहीं कर रहा, संघ का कोई बयान, कोई किसी नेता ने कोई ऐतराज नहीं किया है, संघ के किसी छोटे बड़े कार्यकर्ता ने तारीफ नहीं की हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आलोचना नहीं की है, ये पॉजिटिव पॉइंट योगी के साथ है। फिर योगी इस तरह भी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत बड़ा हिंदू वोट बैंक उनके साथ जुड़ा है और नए सिरे से जब बीजेपी हिंदू मुसलमान करने की सोच रही है तो ऐसे में उनके इस प्रयास की तो तारीफ ही की जानी चाहिए। कुल मिलाकर योगी को पता है कि मोदी पर वो ऐसे ही नीतियों से, ऐसे ही फैसलों से दबाव डाल सकते हैं और दबाव डालकर कार्रवाई करने से रोक सकते हैं कि उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने की हिमाकत एक तरह से बीजेपी का आला कमान नहीं करे। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी अपना वो जो कुर्सी का पेच फंसा हुआ है इसको कांवड़िया मसले के बहाने सुलझाने में लगे हैं, बार्गेनिंग में लगे हैं और बीच का रास्ता निकालने में लगे हैं कि ठीक है हमारी कुर्सी आप बचा के रखना, हम जो फरमान चूंकि विरोध हो रहा है तो इसको थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं या इसको थोड़ा सा भाषा बदल देते हैं। योगी खेमे का कहना है कि योगी को भी पता है कि 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरा, जब तक विधानसभा के चुनाव होंगे तब तक उनके साथ साथ झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के भी विधानसभा के चुनाव होंगे जिसमें बीजेपी की हालत पतली बताई जा रही है। वहां बीजेपी की हालत पतली हुई तो मोदी जी को अपनी सरकार बनाने की चिंता, बचाने की चिंता ज्यादा खाएगी, क्योंकि तब नीतीश कुमार के स्वर कुछ बदल सकते हैं, नायडू के स्वर बदल सकते हैं, तब वो क्यों कर परवाह करने लगेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। तो कांवड़ियों का जो मसला है उस बहाने एक दूसरे को आजमाने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। फिर वही शेर, न तलवारें उठेंगी न खंजर उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं।
एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।